घर घर दस्तक देंगी आशा कार्यकर्ता। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई योजना सरकार लेके आ चुकी है, नया कार्य आपके लिए सरकार लेके आ चुकी है, अब आपको नया काम करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, क्या है पूरी खबर कवर करने वाले हैं। अगर आप एक आशा कार्यकर्ता है, इस वीडियो को लास्ट तक देखी गई, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और फायदेमंद होने वाली है। ओके तो फाइनल देखिए, आइए नजर डालते हैं खबर पर, क्या है पूरी खबर। देखिए देखिए, घर घर दस्तक देंगी आशा कार्यकर्ता, कालाजार के रोगियों की होगी खोज। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, मैं आपको बताना चाहूंगा, कालाजार प्रभावित प्रखंडों में कालाजार मरीजों के घर के 500 मीटर के परिधि में रोगी की होगी खोज। जी हाँ जिले में कालाजार मरीजों की खोज के लिए अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर कालाजार मरीजों की खोज करेंगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश अनुसार कालाजार उन्मूलन के लिए वर्ष में 4 चक्र में घर घर कालाजार के संभावित रोगों की खोज करने का प्रावधान है, जिसके तहत जिले में यह अभियान जो है आपका 20 नवंबर से 30 नवंबर तक संचालित किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता के द्वारा घर घर जाकर कालाजार रोगियों की खोज की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कालाजार प्रभावित प्रखंडों में परिवेदन कालाजार मरीजों के घर के 500 मीटर के परिधि से 200 से 250 घर अवस्थी घर घर जाकर बीएल एचआईवी पीकेडीएल रोगी की खोज की जाएगी। क्षेत्र में अभियान की सफलता को लेकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो है आपको सहायता राशि भी भुगतान की जाएगी। जी हाँ, सिविल सर्जन डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा ने बताया कि कालाजार से पीड़ित रोगी की मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना के तहत श्रम क्षतिपूर्ति के रूप में पैसे भी दिए जाते हैं। बीमार व्यक्ति को 6,600 रुपए राज्य सरकार की ओर से और 500 रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं। ये राशि वीएल ब्लड रिलेटेड कालाजार में रोगी को प्रदान की जाती है। वही चमड़ी से जुड़े कालाजार पीकेडीएल में 4,000 रुपए की राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। और जो आशा कार्यकर्ता कालाजार रोगी की पहचान करने जाएंगी तो वो कैसे करेंगी वो देखिए। वैसे मरीज कालाजार के रोगी हो सकते हैं जिन्हें 15 दिन से ज्यादा बुखार हो, जिन्हें भूख नहीं लगती हो, उदर बड़ा हो रहा हो, जिनका वजन लगातार कम हो रहा हो, शरीर का काला पर रहा हो, और वैसे व्यक्ति जिन्हें बुखार ना हो पर उनके शरीर पर दाग हो और पूर्व में कालाजार के रोगी रह चुके हो। जी हाँ ऐसे आप जो है पहचान भी कर सकती है। और फाइनली जो है आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।